दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप सभी जानते हैं कि जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर हम आज बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की, जिसमें कुछ ट्रिक्स भी हम बताएंगे, उसके साथ साथ जो बेसिक्स हैं वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है वो बेस करता है एक फॉर्मूले के ऊपर, एक रूल के ऊपर, ओके। उस रूल का नाम है बोर्ड मैथ्स, ठीक है। तो बोर्ड यानी कि ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में तीन टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब भी हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ट्राई करेंगे कि ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करें। तो ब्रैकेट्स में सबसे पहले आता है स्मॉल वाला ब्रैकेट। तो किसी भी इक्वेशन में जब भी कोई सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो यही हमारा सीक्वेंस होना चाहिए जब भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद आता है ओ यानी कि ऑफ। ऑफ यानी कि अगर जो भी कोई क्वेश्चन हो वो अगर किसी परसेंटेज में दे रखा हो, जैसे कि 3400 × 100%, तो इसका कितना होगा? तो 3400 upon 100 × 100%, ठीक है, अगर ये परसेंट में दे रखा होगा तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3400, ठीक है। क्योंकि 3400 का जो परसेंटेज होता है 100%, वो 3400 ही होता है, ठीक है। तो उसमें भी आता है क्यूब रूट, ठीक है, या फिर अंडर रूट एक्सेट्रा, तो कुछ भी आ सकता है इसमें। तो स्क्वायर रूट आ सकता है, क्यूब रूट आ सकता है, क्यूब आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई और फिर एडिशन और लास्ट में फिर सब्सट्रैक्शन। तो यही हमारा रूल होता है और इसी को हमें फॉलो करना चाहिए जब भी कोई इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। ये कुछ ट्रिक्स हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम ट्रिक्स नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ट्रिक्स सिर्फ उसी क्वेश्चन में यूज़ किए जाते हैं जिसमें कि अगर कोई ऑप्शन दे रखा है इसी टाइप से सॉल्व करने का, तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 24 × 33, तो अगर लास्ट में आपको मालूम है कि 4 × 3 = 12 आता है, यानी कि लास्ट की वैल्यू हमेशा 2 आनी चाहिए। तो अगर MCQ में या MCQ के आंसर्स में अगर ऑप्शन में अगर 2 दे रखा है लास्ट वैल्यू, तभी हम बता सकते हैं कि उसके आंसर। तो हर बार ये ट्रिक्स आपकी सॉल्व यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो कुछ हम ट्रिक्स की बात करेंगे और कुछ हम बेसिक्स की बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सवाल दे रखा है, √6 × √6 × √6 × √6 up to infinity। तो इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़ किया जाए। तो इसको हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, तो हमेशा याद रखिए कि इसका आंसर वही होता है जो रूट के अंदर लिखा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर √6 लिखा है, तो इसका जो आंसर होगा वो भी जो है 6 ही रहेगा। कैसे आया ये 6, हम बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये इक्वेशन दे रखी है x = √6 × √6 × √6, ठीक है, up to infinity। तो अब अगर स्क्वेयरिंग हम बोथ साइड हम टेकिंग दे हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वेयर करेंगे दोनों साइड से, तो क्या आएगा यहाँ पर x² = 6, एक अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 up to infinity, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम स्क्वेयर कर चुके होते हैं x² = 6, अब इस वाली जो ये जो वैल्यू है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये x है, क्योंकि यहाँ पर ये इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी तक है। तो फिर ये वैल्यू हम यहाँ पर x की तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, x = आपका 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर भी हम देखें, एक और टाइप है जहाँ पे √6 + √6 + √6 इस तरीके से दिया हुआ होता है up to infinity तक, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्लस में दे रखा है, तो जब भी हम प्लस में देंगे तो इसका आंसर क्या होगा, जो भी आंसर वैल्यू लिखे हैं यहाँ पर 6, अब इस 6 का हमें फैक्टर लेना है, यानी कि जो है LCM लेना है। अब LCM अगर हम लेंगे 6 का, तो क्या आ जाएगा, 3 और 2, ठीक है। तो हमेशा ही याद रखिए कि जब भी पॉजिटिव साइन हो इसके बीच में, ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव साइन हो तो जो बड़ी वैल्यू होती है वही आपका आंसर हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। अगर यहाँ पर माइनस होती, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू माइनस होती, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू माइनस होती, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाता, 2, ठीक है। तो ये वाला आंसर आ जाता जब यहाँ पर माइनस होता, ठीक है।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। देखिए यहाँ पर दे रखा है √6 × √6 × √6। अब यहाँ पर जो हमें बताया था वो इन्फिनिटी तक थी, लेकिन अगर इन्फिनिटी तक ना हो, कोई फिक्स वैल्यू दे रखी हो, जैसे कि √6 √6 √6, तब हमें क्या करना चाहिए? तो जब √6 √6 × √6 ये 3 बार वैल्यू दे रखी है, या फिर 4 बार 5 बार जितने भी बार दे सकते हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 6 raised to 7/8। तो ये आंसर कैसे आया हम देखते हैं। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर कितनी बार ये वैल्यू रिपीट हुई है? ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3, तो 3 बार रिपीट हुई है। इसका मतलब 2 to the power of, हम यहाँ पे लिखेंगे 3, तो 2 to the power of 3 कितना होता है? 8। ठीक है, तो बस यही आंसर हो गया आपका। जो भी ये वैल्यू रखी हुई है वो लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 8, और इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? 8 - 1 यानी कि 7। तो 6 raised to 7/8 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ पर भी जैसे प्लस में दे रखा था वैसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर √5 + √5 + √5 इस तरीके से दे रखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि √5 को फैक्टर नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है, इससे एक वैल्यू बड़ी ले लेनी है। ठीक है, अगर हम प्लस में लिखे हैं तो प्लस में एक वैल्यू बड़ी ले लेंगे, तो यहाँ पर 6 ले लिया, तो 6 का फिर से यही आ जाएगा 2 and 3। यहाँ पर जैसे हमने फैक्टर देखे थे 2 and 3, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 and 3 जो है फैक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है, तो जो इसका जो आंसर होगा वो भी फिर से बड़ी वाली वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो ये आपका 3 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये एक क्वेश्चन होता है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टाइप्स में होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 8 raised to 7, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं 8 raised to 7 into। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो 8 raised to 7, यहाँ पर भी 8 raised to 2.4, 8 raised to 1.4, यहाँ पर 8 raised to x, तो सभी वैल्यू यहाँ पे 8 raised to में है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को भी हम 8 raised to में चेंज करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 2 raised to 6 कितना होता है? 64। ठीक है, तो 2 raised to 66 यानी कि 64। अब अगर हमें इसमें 8 में लिखना होगा तो क्या आ जाएगा? ये आप जानते हैं कि ये 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 raised to square / ठीक है, 8 raised to 2.4 into 8 raised to 1.4 = 8 raised to x। ठीक है, अब ये आ गया आपका। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये सभी वैल्यूज़ को हमें एक साथ लेने, क्योंकि आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, और डिवाइडेशन में पावर माइनस होती है। ठीक है, जब वैल्यू सेम है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो 8 raised to 7 + 2 - 2.4 + 1.4 = 8 raised to x। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 7 + 2 = 9, 9 - 2.4 कितना आ जाएगा? 6.6, और 6.6 + 1.4 ये आ जाएगा आपका 8 raised to 8, तो 8 raised to x यहाँ पर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 8। ठीक है, क्योंकि ये इसके x के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है 30% of 54,000 + 68% of 41,000 = x - 2,168। तो आप जानते हैं कि 30% तो 30% को हमें कैसे लिखना है? 30/100, ठीक है, × 5,400। तो आप जानते हैं कि ये 0,0, ये 0,0 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सीधा हम लिख सकते हैं 30 × 54 प्लस, सिमिलरली यहाँ पर भी 68 × जो ये 0,0 है वो नीचे के 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 41 = x - 2,168। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 54 × 3 कितना होता है? तो 4 × 3 = 12 और 5 × 3 = 15 = 16, 162 और ये 0 आ जाएगा। प्लस
अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 68 into 4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 68 into 4, 8 for 32 और 4 and 7, 2 7 8 और +8, तो यहाँ पर आपके आंसर आ जाएगा 2 7 8 8 इज इक्वल टू, नहीं लेंगे ये वाली वैल्यू, हम यहाँ पे प्लस में ले लेंगे, 2 1 6 8 इज इक्वल टू एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 5 7 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पे, 80 + 426 / 6 - 144 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यूब ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जैसे कि आप डिवाइड देख रहे हैं पहले, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड यहाँ पे करना है, ठीक है, प्लस नहीं करना है, क्योंकि प्लस जो है बोर्ड मैथ्स में, अगर हम बोर्ड मैथ्स देखेंगे तो बोर्ड मैथ्स में जो है एडिशन यहाँ पर आता है, ठीक है, और डिवाइडेशन यहाँ पर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 80 का जैसे के तैसे लिखेंगे। अब इसको हमें 426 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 7 जो 42 और 6 1 जो 6 - 144 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो सीधी सी बात है, अब इसको कैंस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 8 और 7 15, 151 - 144 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, 6 + 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्यूब ऑफ एक्स। तो जब ये क्यूब यहाँ पर है तो क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, वी कैन टेक द क्यूब ऑन बोथ साइड, तो इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 343 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हमें हर एक सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर रिप्लाई करें, ठीक है, साथ ही में मुझे हमें बताएं कि आपको और किस किस के तरीके के एग्जांपल्स पसंद हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।